अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाक मेज़बान हादी जान और सना है मेरे साथ। आज हम यहाँ पर यूथ गैदरिंग का एक इवेंट है अलखिदमत की जानिब से, वहाँ आए हैं और हम इस वक्त खड़े हैं ऐवान इकबाल में। ये बिल्डिंग देखिए, बैक कैमरे से दिखा दो। नहीं ना, ये देखो यार, लग रहा ना हम किसी बाहर के मुल्क आ गए हैं, है ना। ये बिल्डिंग है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ और दिखाते हैं ऐवान इकबाल कितना प्यारा है और अलखिदमत का इवेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। आ जाएं जी सना जी, आ जाएं। तो आज ऐवान इकबाल का हम आपको विजिट करवाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, हमने हल्का सा बस अभी देखा है। ये पूरा हम आपको इसी तरह से दिखाएंगे ऐवान इकबाल। यहाँ पे जो है यूथ गैदरिंग के हवाले से आज इवेंट रखा गया है। बिल्डिंग देखें यार, मुझे तो लगा जैसे हम बाहर के मुल्क आ गए। राह नूर, ये है जी इवेंट जो आज यहाँ पे अलखिदमत की तरफ से रखा गया है। जी हम एंटर हो चुके हैं और अब हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या जो है इंतजाम किए गए हैं अलखिदमत की जानिब से। अच्छा अच्छा अच्छा, टिकट्स बेंच है ये, टिकट ही है, कोई कोहिनूर का हीरा थोड़ी है। वापस में चलो आ जाओ। इकबाल जी हेलो, सुन रहे हैं आप? नहीं, बट जो भी इकबाल जी हीरो है हमारे, कौमी शायर, कौमी शायर इकबाल जी। ये इनका एक वो शेर नहीं है, शेर तो है एक नज़म है, नज़म नहीं वो जिसमें, हाँ तो शाहीन है परवाज। अरे हाथ ना लगाओ, कुछ एज, हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे है ना, तो उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी, मोटिवेटेड किया उसने हमें भी। अलामा इकबाल सर जो थे, अगर ये नहीं होते तो इनकी सोच नहीं होती और हम भी ना। हाँ सही कहा। ज़िंदगी में बहुत कम मौका मिलता है कि आप ऐसी बिल्डिंग्स का विजिट करते हैं। आज हम ऐवान इकबाल में आए हैं, यहाँ पे अलखिदमत का इवेंट था और हमें नहीं आइडिया था कि इकबाल जी, ऐवान इकबाल का मतलब इकबाल इकबाल है यहाँ पे। और इतनी प्यारी प्यारी तस्वीर हमें देखने को मिली, इतनी प्यारी बिल्डिंग है। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था मेरा, वो माई बोर्ड कहाँ आ गया, बाहर के मुल्क तो नहीं आ गया। इतनी प्यारी ये बिल्डिंग है माशाल्लाह से। आपने देखा, हमने आपको विजिट भी करवाया। आगे बढ़ते हैं, चले आज उस वहाँ पीछे बैक साइड पे खड़े हो जाओ। अच्छा, ये एक इवेंट था अलखिदमत यूथ गैदरिंग 7.4 ड्राइव, तो जहाँ पे सारे जितनी भी यूथ जनरेशन है वो आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है इस इवेंट में। और इन नेक ख्वाहिशात के साथ, जज्बे के साथ कि आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं और हमने ही इसे बदलना है। और इसके बिल्कुल साथ जो है हमने विज़िट किया है इकबाल गैलरी, आर्ट गैलरी का। और अब ये एड्रेस है, एड्रेस असल में ना, हम दोनों में से कौन जाए, कौन कैमरा पकड़े, तो हमने सोचा कि यार एक साथ, हाँ एक एंटर होते हैं। तो ये एड्रेस है आज। यार ये बिल्डिंग बहुत प्यारी है यार, चलो आज। उन्होंने सेहत, तालीम, पुलिस समेत दर्जनों शोबों और सरकारी महकमों में आईटी के नफाज के लिए इनकलाबी रही इकदाम किए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने 2018 में डॉक्टर उमर सैफ को अमरीका बुलाकर उनके बाद मैं स्टेज पर इन्वाइट करूंगा टीम पासवान को, टीम पासवान के रिप्रेजेंटेटिव को मैं स्टेज पर इन्वाइट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना सीनियर वसूल करें। बहुत शुक्रिया मुगीज कुरेशी भाई। फ्रेंड्स, हमें शील्ड मिल चुकी है, ये जी पासवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ये क्लैपिंग हमारे लिए हो रही है सारे लोग।
थैंक यू बैठ सर बैठ, बस पासवान के जो फाउंडर हैं नुमान भाई, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम नुमान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आ गए हैं जी आप भी? हाँ जी आ गए। रिप्रेजेंट करने पासवान को सारा दिन लगे हमारे, वहाँ भी अभी पहुँचे हैं। और बहुत शुक्रिया हादी का और सनाबा जी का। हारिस भाई भी आ गए। हारिस भाई वेलकम जी, वेलकम। आप भी लेट आए यार आज। यार बस यार क्या करें, एम्प्लॉयज है तो जारी बात है, लेट होना पड़ेगा। बस हमने वहाँ से आप लोगों को देखा है। थैंक यू सो मच जी फ्रेंड्स। तो फाइनली हम फ्री हो चुके हैं और रात भी हो चुकी है। बाहर हम आए हुए हैं, अभी हम जा रहे हैं घर। आज का व्लॉग यही था, कुछ इंटरटेनमेंट इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, बट हम आज दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे भी देखें इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया गया अल खिदमत की जानिब से। हाँ, ये ऐवान इकबाल था जो हमने आपको थोड़ा बहुत दिखाया आज। तो इसी तरह आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स हम दिखाते रहेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।